नया हाँ, चैप्टर स्टार्ट होगा। अब न्यू चैप्टर इश्यू ऑफ डिबेंचर करेंगे, हो गया, हटाएं इसको हम लोग। हाँ, हाँ बोलो, कोई कुछ बोल रहा है, बोलो, सिंटू बोल रहा है, बोलो। पीछे शॉर्ट क्वेश्चन छोड़े थे ना सर पहले। हाँ शॉर्ट क्वेश्चन वो सब हो जाएगा, अब तुम बनाना ना, नहीं बनेगा तो हम कराएंगे, वो सब क्रैश कोर्स में करेंगे जी, कुछ कुछ छोड़ते चलना, ऐसे तुम बना कर देखना सब बनेगा। आप लोग बनाइए, जो नहीं बनता पूछिएगा, बताएंगे व्हाट्सएप करके, कॉल करके, और ऐसे हम उसको भी नहीं छोड़ेंगे, वो क्रैश कोर्स में आपको सब वो खत्म कर देंगे। चलिए ठीक है, हो गया, हटाए इसको, अब चले नेक्स्ट इशू ऑफ डिबेंचर। यस सर, चलिए अब चलिए हम लोग न्यू चैप्टर पढ़ेंगे। शोभा, शोभा आई हुई है? हाँ चलो ठीक है, नोट उठ कर रही हो कि खाली मोबाइल देख रही हो? तुम जब से ओप्पो लिया आया है तुम खाली मोबाइल दिन भर देखते रहती हो ओप्पो। चलो आज पढ़ेंगे हम लोग न्यू चैप्टर, और जिस चैप्टर का नाम है डिबेंचर। इस चैप्टर का नाम क्या है? डिबेंचर। डिबेंचर का हिंदी होता है बाबू ऋण पत्र। डिबेंचर का हिंदी होता है आपका ऋण पत्र, और जैसा कि नाम में आ रहा है ऋण, और ऋण का मतलब क्या होता है? लोन। यह डिबेंचर का हिंदी क्या होता है? ऋण, आर आई एन, ऋण, कपड़ा साफ करने वाला नहीं, ऋण पत्र। देखो डिबेंचर क्या होता है? डिबेंचर एक तरह का, डिबेंचर एक तरह का लोन है। डिबेंचर एक तरह का क्या है? लोन है, और ये पैसा जुटाने का एक साधन है। जब मैंने शेयर शुरू किया था तो आपको बताया था कंपनी दो तरह से पैसा लाती है। कंपनी का पैसा कमाने का तरीका रेज कैपिटल। कंपनी जो है पैसा कमाने का दो तरीका होता है, कंपनी रेज कैपिटल। कंपनी कैपिटल यानी पैसा कहां से लाती है? तो दो जगह से लाती है, उसी क्लास में बताया था हम। पहला शेयर से, शेयर जो खरीदता है वो मालिक होता है बिजनेस का, और दूसरा डिबेंचर से। कंपनी पैसा दो तरह से जारी लाती है, शेयर जारी करके और डिबेंचर जारी करके। और बिल्कुल बाबू जिस तरह से शेयर है उसी तरह से डिबेंचर है। अगर तुमने शेयर सही से पढ़ा है तो डिबेंचर में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। डिबेंचर क्या है? तो डिबेंचर के बारे में कहा गया है इट इज ए लोन सर्टिफिकेट, या एक लोन सर्टिफिकेट है जो ये बताता है कि आपने कंपनी को कुछ पैसा उधार दिया है, और कंपनी आपको इतने दिनों बाद इतना पैसा देगी। डिबेंचर में जानते हो, डिबेंचर में एक ही मसला है बाबू, डिबेंचर बस यही है ना, किसमें फिक्स्ड रहता है, फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, निश्चित दर से ब्याज मिलता है। क्यों? क्योंकि डिबेंचर के आगे हमेशा लगा हुआ रहता है, क्या लगा हुआ रहता है सर? 5%, 10%, जैसे प्रीफरेंस शेयर का भी हम नाम लिए, 15%, 12%, और इसके बाद तो तुम जानवे कर रहे हो, 5, 10, 15 चल रहा तो अब कितना आएगा? 20%, नहीं 5 का मल्टीपल चल, मतलब यही 5, 10, 15, 7, 12% लगा हुआ रहता है। और डिबेंचर में यही है कि डिबेंचर में फिक्स्ड रेट रहता है, मतलब आप जब कंपनी का, जैसे शेयर तुम खरीदोगे तो तुमको मालूम नहीं है, शेयर का हम बताए थे ना कि कभी कभी कोई कंगाल एकदम राजा बन जाता है, राजा कंगाल बन जाता है, मतलब 100 रुपया वाला का तुम्हारा शेयर का दाम 500, 800 भी पहुंच सकता है, और कभी कभी उससे कम भी। लेकिन डिबेंचर में यह है ना बाबू कि डिबेंचर में तुमको मालूम है कंपनी डूब काहे नहीं जाए, लेकिन अगर वो लिखी है 20% और तुम खरीदे हो 100 वाला, तो 100 का 20% तुमको कितना पैसा देगा?
देखते हो स्क्रीन तू लोग जी, बहुत बदमाश हो गया तू लोग। 120 नहीं, अगर आप डिबेंचर खरीदे हैं, अगर आप डिबेंचर खरीदे हैं और 100 का डिबेंचर खरीदे हैं, 20% वाला खरीदे हैं, तो 100 रुपया डिबेंचर का और 20 रुपया ब्याज, 100% आपको मिलेगा। कितना? 120। चाहे कंपनी डूब ही क्यों ना जाए, अगर 15% रहे तो कितना मिलेगा बताइए, बोलो। 115। हाँ, 115। चलो ठीक है, अब देखो अलीसा बताएगी, अलीसा के अलावा कोई नहीं बताएगी, बगल वाली नाजिया भी नहीं बताएगी। अगर 100 रुपया का है और 5% ब्याज मिला, तो 100 का 5% कितना मिलेगा अलीसा? नहीं है अलीसा? 5 रुपया। 105। कितना मिलेगा? 105 मिलेगा। तो डिबेंचर में यही है बाबू, तो डिबेंचर समझे, डिबेंचर में क्या होता है कि फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। आप पैसा लगाएं तो आपको कंफर्म मालूम रहता है कि आपको आगे चलकर 5%, 10% या 20% मिलने वाला है, ये निश्चित रहता है। और डिबेंचर में एक चीज है, जो व्यक्ति डिबेंचर खरीदता है उसको बोला जाता है डिबेंचर होल्डर। ध्यान रखेंगे, डिबेंचर होल्डर मतलब क्या? द पर्सन हु परचेज डिबेंचर। नहीं, डिबेंचर होल्डर किसे कहते हैं? तो डिबेंचर होल्डर का मतलब वह व्यक्ति जो डिबेंचर को खरीदता है। डिबेंचर होल्डर मीन्स द पर्सन हु परचेज डिबेंचर, वह व्यक्ति जो डिबेंचर को, एक मिनट आवाज नहीं जा रहा। हाँ, डिबेंचर होल्डर का मतलब क्या? डिबेंचर होल्डर का मतलब वह व्यक्ति जो डिबेंचर खरीदता है। अब देखिए, डिबेंचर के लिए हमने खास आपके लिए कुछ चीजें रखे हैं। अब इसमें समझिए, देखो यही है तुम्हारा डिबेंचर, डिबेंचर का पिक नजर आ रहा है आपको, डिबेंचर का फॉर्मेट, यही आपको एक कागज मिलेगा, नजर आ रहा है जी सबको? Yes, sir. हाँ, कहता देखो, yes, ये एक तरह का डिबेंचर है, बताओ इस डिबेंचर में कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है? 5% एकदम नजर आ रहा? नहीं, अब रेड तो तुम लोग का फेवरेट है। और इसमें कितना साल के लिए ब्याज दिया गया है बताओ? 5 साल के लिए। कितना साल के लिए? 5 साल के लिए। नहीं, हाँ 5 साल के लिए दिया गया। तो डिबेंचर कैसा होता है देख लिया ना तुम लोग? हाँ, देखो ये ऑनलाइन में ही फायदा, ये हो गया क्या? डिबेंचर। अब आगे बढ़िए, डिबेंचर के कई एक टाइप रहते हैं। अच्छा, एक मिनट बाद आपका लॉग आउट होने वाला है, फिर से लॉग इन कर लेंगे। अब डिबेंचर